to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, दिल्ली में यानी कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनके जेल के बाहर आने के बाद अब जो है वो कांग्रेस प्रत्याशियों को भी जिताने के लिए रोड शो करेंगे। कन्हैया कुमार के बाद उदित राज ने भी मुलाकात किया है। क्या है पूरा मैटर, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात अगर मैं करूँ तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के साथ अब दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए रोड शो और प्रचार करेंगे। इस बाबत सीएम अरविंद केजरीवाल से रविवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार उनसे मिलने थे, जबकि सोमवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली से प्रत्याशी उदित राज भी उनसे मिले थे। सभा चुनाव 2024 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस कोटे से प्रत्याशी उदित राज ने 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद उदित राज ने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी को रोड शो और प्रचार के लिए आमंत्रित किया है। सीएम केजरीवाल ने रोड शो का नेतृत्व करने को लेकर हामी भरी है, तो वहीं जल्द इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भी वो जो है वो प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान किसी और मसले पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। आज की हमारी बातचीत चुनाव तैयारियां और रोड शो पर केंद्रित हो रही है। बातचीत के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं भी दी। आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती। दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ रहे हैं। गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 7 में से 4 और कांग्रेस को 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने दिया है। गठबंधन होने की वजह से दिल्ली लोकसभा चुनाव रोचक हो गया है। बीजेपी और इंडिया गठबंधन का सीधा मुकाबला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस के प्रत्याशी उदित राज और कन्हैया कुमार मिले हैं, तो क्या उन कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जो आम आदमी पार्टी के संचेचक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन लोगों के लिए वोट मांगेंगे, रोड शो करेंगे, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल अगर करते हैं तो ये मामला कितना ज्यादा दिलचस्प होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।